अगर आपका बजट 10,000 रुपये है एंड आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी डॉग ब्रीड लेनी चाहिए, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी कि आपको 10,000 के अंदर अच्छी डॉग ब्रीड कौन सी मिल जाएगी एंड आपको 10,000 के अंदर कौन सी डॉग ब्रीड लेनी चाहिए जो कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हमने 10,000 रुपये एक अच्छी डॉग ब्रीड पर लगाए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन जरूर से दब लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है डॉग की, तो आप वो डॉग खरीद सकते हो। तो हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आता है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स आपको इंडिया में हर शहर हर गली में देखने को मिल जाएगा। ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड होती है एंड ये प्योर वाइट कलर में आती है और इनमें आपको ब्राउन एंड ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा। ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी है। इंडिया में इन्हें जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक माना जाता है। ये काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, हाई एनर्जी लेवल डॉग ब्रीड है, तो आपको इंडियन स्पिट्स पर अलग से डॉग फूड का खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब वो पपी है तो आप उसके डॉग फूड पर खर्च कर सकते हो। जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपके घर का खाना बड़ी ही आसानी से खा लेगा। इंडियन स्पिट्स का प्राइस इंडिया में 4,000 से लेकर 8,000 रुपये तक है। तो आप अगर 10,000 से भी कम में डॉग ब्रीड खरीदना चाहते हो तो इंडियन स्पिट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर आता है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड लैब्राडोर। लैब्राडोर एक काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग ब्रीड है। हाँ थोड़े ओवरवेट हो जाते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं, बट हाँ एक अच्छी फ्रेंडली एंड फैमिली डॉग ब्रीड है लैब्राडोर। अगर आप उन्हें कुछ सिखाओगे तो काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी क्विक लर्नर होते हैं लैब्राडोर, तो ये काफ़ी आसानी से सीख जाते हैं एंड ये पुलिस मिलिट्री आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में आपको 6,000 से लेकर 10,000 तक एक अच्छी क्वालिटी का लैब्राडोर देखने को मिल जाएगा। आपको काफ़ी जगहों पर 4-5 हज़ार के लैब्राडोर मिल जाएंगे, बट उनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी। अगर आप 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का लैब्राडोर ही लेना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है बुल्ली कुत्ता। बुल्ली कुत्ते को इंडियन मैस्टिफ भी बोला जाता है। ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एंड अगर आप एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड लेना चाहते हो जो कि पावरफुल हो, आपके घर को एंड आपको गार्ड कर सके, तो आप बुल्ली कुत्ता डेफिनेटली ले सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। आपने डोगो अर्जेंटिनो देखा ही होगा, डोगो अर्जेंटिनो जितने ही बड़े एंड पावरफुल होते हैं बुल्ली कुत्ता। 10,000 या फिर उससे कम में एक डेंजरस डॉग ब्रीड खरीदना चाहते हो तो आप बुल्ली कुत्ता डेफिनेटली खरीद सकते हो। इंडिया में बुल्ली कुत्ते की प्राइस जो है 4,000 से लेकर 6,000 रुपये तक है। आपको बुल्ली कुत्ता इंडिया में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है गद्दी कुत्ता। ये भी एक इंडियन डॉग ब्रीड है जो कि काफ़ी हद तक तिब्बतियन मैस्टिफ जैसी लगती है। गद्दी कुत्ते की प्राइस जो है इंडिया में 3 से लेकर 5,000 रुपये तक है। वही अगर आप तिब्बतियन मैस्टिफ देखते हो तो उनकी प्राइस जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक तिब्बतियन मैस्टिफ की प्राइस होती है। तो आप अगर अच्छा दिखने वाला डॉग चाहते हो तो आप डेफिनेटली गद्दी कुत्ता खरीद सकते हो। गद्दी कुत्ता एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है और मैंने जैसे बताया कि इंडिया में आपको ये 3 से लेकर 5,000 में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सिमिलर दिखते हैं तिब्बतियन मैस्टिफ के। तो हमारे लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर आता है पग। पग आपने काफ़ी सारे जगह देखा होगा, वोडाफोन की एड में भी आपने काफ़ी बार पग देखा होगा। पग एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड होती है और इनका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। अगर आप एक फेस मतलब जिस डॉग का फेस काफ़ी क्यूट होता है वो डॉग खरीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पग के साथ जा सकते हो। पग एक लेजी डॉग ब्रीड है जिन्हें ज़्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं। अगर आप ऐसी डॉग ब्रीड चाहते हो जो कि आपके साथ रहे बस और आपके घर में बैठे रहे, तो आप डेफिनेटली पग खरीद सकते हो। पग का प्राइस इंडिया में 8,000 से लेकर 10,000 तक जाता है। अगर आप हाई क्वालिटी का पग लेते हो तो थोड़ा सा 1-2 हज़ार कम ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ 10,000 के हिसाब से पग एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। 10,000 के अंदर आपको इंडियन डॉग ब्रीड्स काफ़ी सारे देखने को मिल जाएगी। और आप चाहो तो इंडियन परिहार डॉग, ये जो है 2 से 3 हज़ार में आपको मिल जाएगी इंडियन परिहार डॉग। अगर आप ऐसे और डॉग ब्रीड चाहते हो तो आप जर्मन शेफर्ड भी खरीद सकते हो। सिंगल कोट में डॉबरमैन की तरह एकदम स्लिम डॉग ब्रीड चाहते हो जो कि पतली होती है, तो आप राजा पाल्या डॉग खरीद सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं एंड ये डॉग ब्रीड ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। या फिर आप किनी डॉग खरीद सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। तो ये सब ऑप्शन है आपके पास 10,000 के अंदर एक बेस्ट डॉग खरीदने के लिए। 10,000 के बजट में मैं आपको दूसरे डॉग नहीं बताऊंगा। आप बोलोगे कि ये डॉग इतने में आ जाता है, गोल्डन रिट्रीवर पिटबुल भी आ जाता है 10,000 में आ जाता है, बट वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो दूसरे डॉग में आप देखते हो। तो क्वालिटी के हिसाब से अच्छी क्वालिटी, मैंने ये सारे भी जितने भी डॉग्स बताए उन डॉग्स में आपको 10,000 के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी।
तो इसलिए 10,000 के अंदर आप ये सब डॉग खरीद सकते हो, आपके काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे। तो ये थी 5 डॉग ब्रीड जो कि आप 10,000 के अंदर खरीद सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।